दोस्तों, अभी हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी। इस घटना पर पूरी दुनिया में शोक मनाया गया, लेकिन चीन में जहां कुछ लोगों ने शिंजो आबे की मौत पर खुशियां मनाई अपने सोशल मीडिया पर। हालांकि यहां सोचने वाली बात यह है कि चीन में शिंजो आबे को लेकर इतनी नफरत क्यों है। वैसे चीनियों ने जितनी नफरत शिंजो आबे को लेकर दिखाई थी, उससे ज्यादा हम भारतीयों ने शिंजो आबे को एक प्यारी विदाई दी है, और दे भी क्यों ना, क्योंकि वो शिंजो आबे ही थे जो भारत और जापान के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर लेकर गए थे, और क्वाड की स्थापना में भी उनकी भागीदारी बहुत अहम थी। शिंजो आबे की लीडरशिप में वो बहुत सारे काम किए गए जिससे चीनियों का नाराज होना तो तय ही था, और वो नाराज हुए भी। हालांकि इस नाराजगी का यह कोई पहला उदाहरण नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि चीन और जापान के संबंधों का इतिहास कड़वाहट से भरा हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि चीन और जापान की आपस में इतनी बनती क्यों नहीं है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी किन्हीं दो देशों की आपस में नहीं बनती, तो सीधा सा मतलब होता है कि यहाँ के लोगों की भी आपस में नहीं बनती, और दोनों ही देशों के संबंध खराब होने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है धर्म। अब इसमें भारत और पाकिस्तान से अच्छा उदाहरण तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा फिलिस्तीन और इसराइल का विवाद भी शामिल है। धार्मिक भेदभाव के अलावा आइडियोलॉजी भी कारण बन सकती है, जैसे कि कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था। अब भले ही चीन एक कम्युनिस्ट देश है और जापान में डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ चीन और जापान के बीच आइडियोलॉजी से भी बड़ा मुद्दा है, और वो है दोनों ही देशों के बीच कड़वाहट से भरा हुआ लंबा इतिहास, जिसकी शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी से, जब ये यूरोपीय देश व्यापार के बहाने एशिया में एंट्री कर चुके थे। इसमें पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप भी शामिल था, साउथ ईस्ट एशिया भी शामिल था, और चीन और जापान भी शामिल थे, जहां ज्यादातर एशियाई देश इन वेस्टर्न पावर के सामने कुछ ज्यादा नहीं कर पाए और उनके जाल में फंसते गए। जैसे भारत ब्रिटेन के कब्जे में आ गया, चाइना के ज्यादातर व्यापारिक हिस्से भी वेस्टर्न पावर के कंट्रोल में आ गए थे। हालांकि यहाँ जापान का भी यही हाल हो सकता था, जब पहली बार एक अमेरिकी जनरल मैथ्यू पेरी 1853 में जापान आ पहुंचा था, जिसने अपनी बंदूक की नोक पर जापान को व्यापार के लिए मजबूर किया था। लेकिन यहाँ जापान ने स्थिति को समझा और अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच को पीछे किया, और मेजी रेस्टोरेशन के बाद से मॉडर्न दुनिया में घुस गया। जापान ने वेस्टर्न देशों के साथ मिलकर अपने देश को मॉडर्नाइज किया। वहीं एक तरफ चीन लगातार दो ओपियम वॉर झेल चुका था। अगर साफ शब्दों में कहूं तो जो वेस्टर्न पावर एशिया में आए थे वो शिकारी थे, और वो अपना शिकार ढूंढ रहे थे, जिन्हें चीन जैसा बड़ा शिकार मिल गया। लेकिन यहां जापान शिकार बनने के बजाय शिकारियों के साथ शामिल हो गया, और शिकारियों को चाहिए था एक आसान शिकार, और उस समय चाइना से आसान शिकार तो कोई था ही नहीं। जैसा कि आप इस ऐतिहासिक पेंटिंग में देख सकते हो कि वेस्टर्न पावर के साथ साथ जापान भी शामिल हो गया था चीन को लूटने के लिए, ना सिर्फ चीन बल्कि पूरा कोरियन पेनिनसुला भी। और जापान ने इसकी शुरुआत की कोरियन पेनिनसुला से ही। इसके लिए उसने चीन के साथ युद्ध भी किया और चीन को हराया भी। इस युद्ध के बाद जापान ने कोरियन पेनिनसुला के साथ साथ चीन के कुछ आइलैंड पर भी कब्जा कर लिया, जैसे कि आज का ताइवान। जापान यही नहीं रुका, उसने कोरिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रशिया के साथ भी युद्ध किया और उसे भी हराया। अब रशिया जैसी ताकत को हराने के बाद जापान का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था। हालांकि यहां तक भी जापान अकेला नहीं था जो चीन पर अपना प्रभाव जमा रहा था। जापान के अलावा बाकी वेस्टर्न पावर भी शामिल थे, लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान जापान के खिलाफ चीन में गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में ही जो जर्मन कॉलोनियां चीन में मौजूद थी उन पर जापान ने कब्जा कर लिया, और चीन के सामने गुप्त रूप से अपनी 21 मांगे रख दी, जो कि 5 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड थी, जो कि चीन के सम्मान को ठेस पहुंचाती थी। चीन ने ये मांगे सार्वजनिक कर दी और अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन से भी निवेदन किया कि भैया जापान को समझाओ। अमेरिका और ब्रिटेन ने जापान को समझाया कि भैया 5वें ग्रुप की डिमांड कुछ ज्यादा ही खराब है, इसे हटा दो। हालांकि यहाँ जापान भी मान गया, लेकिन इन मांगों के कारण चीनी लोगों में जापान के खिलाफ नफरत बढ़ गई। उन्होंने जापानी सामानों का बहिष्कार भी किया। चीन में जापान के खिलाफ नफरत तब और ज्यादा बढ़ गई जब 1931 में मुकडेन की घटना का बहाना बनाकर
जापान ने पूरे मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी एक कठपुतली सरकार बैठा दी। ये वही सरकार थी जिसका शासन कभी चीन पर था, यानी कि मंचूकुओ, जिसका सम्राट पुई था। जापान यही नहीं रुका, आगे चलकर जापान ने 1937 में मार्को पोलो ब्रिज की घटना का बहाना बनाकर सीधे चाइना पर हमला कर दिया और दूसरे सिनो जापानीज वॉर की शुरुआत कर दी। जापानियों ने नानकिंग, शंघाई और बीजिंग जैसे महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों के साथ साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव किया, जिसमें नानकिंग नरसंहार जैसी बड़ी घटनाएं भी शामिल है। इस युद्ध के दौरान करीब 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक चाइनीज लोगों की मौत हुई थी, चाहे वो सैनिक हो या आम लोग। इनके अलावा नानकिंग रेप और जापानियों के कुछ एक्सपेरिमेंट भी शामिल थे जो कि उन्होंने चीनी नागरिकों पर किए थे। हालांकि यह पूरा युद्ध खत्म हुआ जापान की हार के साथ और जापान को इसका सबक भी मिला जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। साथ ही युद्ध के बाद चाइना भी कम्युनिज्म के नाम पर यूनाइट हुआ और विदेशी प्रभावों से मुक्त हुआ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी चीनियों की जापान को लेकर नफरत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही गई, जिसका प्रमुख कारण बना जापान में स्थित याशुकुमी श्राइन। यह मंदिर बहुत विवादों में रहा था। इस मंदिर में युद्ध के दौरान शहीद हुए जापानी सैनिकों के नाम हैं जिन्होंने जापान के लिए सेवा दी थी। इस मंदिर में उन सैनिकों के नाम भी थे जो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान भी मारे गए थे, जबकि चीन और कोरिया की सरकारें इन सैनिकों को युद्ध अपराधी मानती हैं। इसलिए यह मंदिर हमेशा विवादों में रहा है। जब भी कोई जापानीज लीडर इस मंदिर का दौरा करता है तो चीन और कोरिया दोनों ही देश नाराज होते हैं। हालांकि 1975 के बाद से इस मंदिर का दौरा काफी कम हो गया है। इसके अलावा जापान ने अपने स्कूली बच्चों के लिए इतिहास में कुछ फेरबदल भी किए थे। जापान ने कोशिश की थी कि उसके काले इतिहास को थोड़ा सफेद किया जाए। आगे चलकर जब दुनिया की राजनीति बदली तो चीन को लगा कि जापान, यूएसए और ताइवान मिलकर चीन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सेंकांगू आइलैंड का मुद्दा भी इन दोनों ही देशों के बीच कड़वाहट को घोलता रहता है। चीन में जापान के खिलाफ कई प्रदर्शन भी हो चुके हैं जहां जापानी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग भी की गई है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की दुनिया में भी इन दोनों ही देशों के बीच टक्कर बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच होती है। 2004 के एशियन कप के दौरान जापानी खिलाड़ियों को चीनी लोगों ने बैनर और झंडे दिखाए थे और जापान के हर मैच के दौरान जब भी जापान का राष्ट्रगान शुरू होता था तो चीनी दर्शक शोर शराबा करते थे। हालांकि इसी टूर्नामेंट में जापानी टीम ने चीन की टीम को 3-1 से हराया था, जिससे चीनी और ज्यादा भड़क गए थे। हालांकि दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया नफरत तो कम हुई लेकिन गुस्सा बढ़ता गया, जो कि आज शिंजो आबे की मौत के बाद देखने को मिला। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।